हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू हेड गर्ल। तो आज का वीडियो होने वाला है कुछ अजीबोगरीब चैलेंज / चिट चैट टाइप का वीडियो। तो मैंने कल एक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे स्टोरी डाली थी, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझे पूछिए। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़े बहुत क्वेश्चंस है जिसको मैंने लिख लिया है यहाँ पर। तो ये मैं 1 by 1 आपको आज आंसर करने वाली हूँ और ये मेकअप लुक क्रिएट होने वाला है। इसका ये बेसिकली ट्यूटोरियल नहीं है, मैं कुछ भी बता नहीं रही हूँ। मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। वीडियोस के बीच मैंने बहुत सारे अदर वीडियोस के बारे में बताया है कि हाँ ये वीडियो में आप देख सकते हैं, तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो प्लीज़ मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। ऑल्सो कमिंग टू द वीडियो कि ये क्या है, तो वीडियो का टाइटल पढ़ के आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक ज़ोडियाक साइन मेकअप चैलेंज है। तो आई एम अ जुलाई बेबी, मैं जुलाई में बॉर्न हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात है उस हिसाब से मेरा ज़ोडियाक साइन लियो है। तो मैंने लियो का मैंने फिर सर्च मारा कि उनके कलर्स क्या होते हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ पे जनरली क्या था, ऑरेंज, रेड, गोल्डन, येलो, ये सब था। तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, बट एक जगह मैंने देखा था रीगल पर्पल करके। तो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल के नेम के बगल में सब्सक्राइब बटन रेड कलर का, उससे भी हिट कर दें। उसके बाद में बेल नोटिफिकेशन आइकन, उससे भी हिट करें ताकि आपको मेरे आगे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहला है वेयर डू आई लिव। ओके, ये थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन है, वेयर डू आई लिव। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं कहाँ रहती हूँ। आई लिव इन रांची, झारखंड। व्हाट हैव आई स्टडीड, तो मैंने क्या पढ़ाई की हुई है। मास्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो मेरा मास्टर्स इन साइंस है फ्रॉम सब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो आई हैव डन ग्रेजुएशन एंड देन उसके बाद मैंने केमिस्ट्री लेके अपने मास्टर्स भी आगे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको नेल पेंट्स हटाने के लिए अगर थिनर नहीं यूज़ करना है, यानी कि एसीटोन अगर यूज़ नहीं करना है, तो आप कुछ और क्या यूज़ कर सकते हो। कुछ और के लिए मैं आपको पहले तो बोलूँगी क्योंकि आप एसीटोन अगर यूज़ करते हो तो आपके नेल्स को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। तो मैं तो बहुत टाइम से एसीटोन यूज़ नहीं कर रही हूँ, या फिर नेल पेंट रिमूवर जिसको बोलते हैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं भी बहुत टाइम से वो जो वाइप्स आता है ना छोटे से डब्बे में, मैं नेल पेंट हटाने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। कारा का एसीटोन फ्री नेल पेंट वाइप्स है, ये आपके नेल्स को ड्राई भी नहीं करता है। इनफैक्ट इसको यूज़ करने के बाद आपके नेल्स पे थोड़ा सा ऑयलीनेस भी आ जाता है, जिस वजह से आपके नेल्स थोड़े नरिश भी हो सकते हैं जैसे ये क्लेम करते हैं। मुझे क्लेम का पता नहीं, बट हाँ ये एटलीस्ट आपके नेल को ड्राई नहीं करते। तो मैं कारा इसलिए सजेस्ट करूँगी, थोड़ा महंगा है। इट्स लाइक मेरे को 45 रुपीज़ का पड़ा था शायद, या फिर 95 रुपीज़ का, बट मुझे आई थिंक मैंने बिग बाज़ार से लिया था तो buy 1 get 1 था, तो एक मुझे 45 रुपीज़ का पड़ा। इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि बाहर आपको भले 20 या 30 रुपीज़ का भी मिल जाता होगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो जो आप जब खोलोगे उसको सील रहता है, बट वो जब उसको खोलोगे तो वो ऑलमोस्ट ड्राइड होता है। बट जबकि ये जो अगर इसको आप सील खोल भी देते हो तो ये काफ़ी दिन तक गीला ही रहता है। और आप सील नहीं भी खोलते हो, जैसे कि जब मैंने नया लिया था तो मैंने इसको रिप ऑफ नहीं किया था, मैंने एक ही पहले खोला था। एंड दूसरा जब मैं बहुत टाइम के बाद जब पहला वाला ख़त्म हो गया वो जब यूज़ की तो उसमें वो अभी ये मेरा सेकेंड वाला बॉक्स है एंड ये अभी भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं स्किन टोन को इवन करने के लिए क्या करें। तो स्किन टोन को इवन करने के लिए मैं ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, मतलब नॉट एग्जैक्टली उसके ऊपर। पहला बात तो स्किन टोन अगर आपकी इवन नहीं है ना, क्योंकि जनरली हर इंडियन का ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी स्किन टोन जो होती है इवन आउट नहीं होती है। अगर आपके लिप्स के आसपास आपके थोड़ा डार्क होगा, आपका फोरहेड डार्क होगा थोड़ा आपके बाकी स्किन से, तो अगर आपका स्किन टोन डार्क है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी मतलब एक स्पेसिफिक वीडियो तो नहीं, उसको हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं, बट उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो तो नहीं पर हाँ एक वीडियो बनाया हुआ है अबाउट सीरम से रिलेटेड कि सीरम्स क्या होता है। तो प्लीज़ डू चेक दैट वीडियो आउट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि सीरम क्या होता है। उसमें मैंने बताया है कि आप हाइपर पिगमेंटेशन को कैसे हटा सकते हो अपने फेस से, और एक एसेंशियल ऑयल वाला भी वीडियो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो जाके देख सकते हैं। आपको उसमें मिल जाए मतलब क्या प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए जिससे आपके हाइपर पिगमेंटेशन कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू आई फिल्म, मतलब मैं वीडियो कहाँ शूट करती हूँ। तो ये एक्चुअली मेरा रूम है, ये पीछे एक विंडो है, तो मैं विंडो के सामने शूट करती हूँ ताकि मुझे बैकग्राउंड का झंझट ना हो, तो मेरे लिए पर्दा आराम से होता है। एंड मैं विंडो की तरफ फेस करके इसलिए शूट नहीं करती हूँ क्योंकि मैं विंडो के उस तरफ दीवार है एक बड़ा सा, तो अल्टीमेटली वहाँ से कुछ लाइट भी नहीं आने वाला, तो कुछ फ़ायदा भी नहीं है वहाँ से शूट करने का। तो नेक्स्ट इज़ व्हाट आर माय प्लान्स फॉर फ्यूचर। तो अभी फ्यूचर का फ़िलहाल तो कुछ प्लान नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल चल रहा है लॉकडाउन। लॉकडाउन में कुछ कर नहीं सकते, घर पे ही बैठे हैं और घर पे ही सब कुछ हो रहा है, पढ़ाई लिखाई हो रही है एंड जो भी करना है, वीडियो शूट हो रहा है और अभी फ़िलहाल ड्रामास देखे जा रहे हैं, तो सब कुछ घर पे ही है। तो फ्यूचर का तो मुझे खुद नहीं पता कि क्या प्लान है क्या नहीं है। नेक्स्ट इज डू ऑयली स्किन नीड टू वॉश देयर फेस रेगुलरली। तो पहला बात तो अगर आप ऑयली स्किन के हो चाहे नहीं हो, आपको अपना फेस रेगुलरली वॉश करना चाहिए। लाइक एक दिन में सुबह और शाम दोनों टाइम वॉश करना चाहिए, ताकि आपके फेस की भी जो भी एक्सेस ऑयल वगैरह डर्ट जो है, जिससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है अगर बहुत देर तक उसमें रही तो। बट ऑयली स्किन के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑयली स्किन अगर आप बार बार अपने फेस को वॉश करोगे तो आपको क्या होता है, ऑयल्स जो होते हैं वो रिप ऑफ हो जाएंगे। यानी कि आपकी जो भी ऊपर अपर लेयर में जो ऑयल्स है वो सारे के सारे पानी के साथ निकलते जाएंगे। तो आप जितना ज़्यादा अगर अपने स्किन के ऑयल को हटाओगे उतना ही ज़्यादा वो ऑयल रिलीज़ करेगा। तो इसीलिए इस बेटर कि अगर आपकी ऑयल रिलीज़ हो रही है तो आप बार बार फेस मत वॉश करो। और फेस वॉश बार बार करने से आपकी स्किन में एजिंग साइन जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि आप अपने स्किन का नेचुरल ऑयल जो भी है उसको हटा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंस्पिरेशन कौन था यूट्यूब का। तो यूट्यूब चलाने के पीछे मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी श्रेया जैन। मैं उसको बहुत ज़्यादा देखती हूँ एंड आई रियली लाइक हर, क्योंकि उसके कंटेंट्स बहुत अच्छे होते हैं एंड बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो आई डू वॉच रेगुलरली। मतलब मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स को, मतलब उनके कंटेंट स्टार्टिंग बहुत अच्छे होते हैं बट धीरे धीरे इट स्टार्ट्स कीप डिग्रेडिंग। एंड मुझे ये नहीं पसंद कि आप अपने लाइक घर के मसलों को या फिर अपने, बहुत लोगों को मैंने देखा है व्यूज़ पाने के लिए लाइक बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं कि और ये मतलब वीडियोस में रो रहे हैं, फिर उसके बाद अपना ये दुख और उसके बाद थंबनेल्स में भी डाल रहे हैं। तो वो चीज़ सबके अपनी अपनी चॉइस होती है, बट मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है कि यार आप वीडियोस में अपना रोते हुए या कुछ भी इस तरह से डालो। तो और उसके बाद कंटेंट एक टाइम के बाद वो अजीब होने लगता है, मतलब यूज़लेस टाइप लगता है। जैसे सिर्फ, मैं नहीं बोल रही स्पॉन्सरशिप गलत है, बट स्पॉन्सरशिप पे आप ना वीडियोस प्रमोट कर रहे हो और अपने व्यूज़ नहीं दे रहे हो तो वो तो गलत है ना, अपने एक्चुअल व्यूज़ नहीं दे रहे हो वो तो गलत है। तो इसलिए आई रियली एडमायर श्रेया जैन, क्योंकि वो भी स्पॉन्सरशिप लेती है। पहला तो वो बता देती है कि मैंने हाँ ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है। दूसरा वो क्या करती है, अपने व्यूज़ भी देती है। अगर कुछ अच्छा है तो अच्छा बोलेंगी और उसमें कुछ बुराई भी है तो बुराई बोलेंगी। मैं मानती हूँ, हाउ आई रियली नो कि कैसे स्पॉन्सरशिप्स चलती है उन, अगर थोड़ा पेड प्रमोशन होता है। बट यार कोई चीज़ अगर उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट है, डिफेक्ट है, तो अगर वो हम नहीं बताएंगे फिर लोग अब वैसे खरीदेंगे तो दैट्स नॉट गुड ना, फिर उनको दिक्कत होता है। क्योंकि मैंने खुद एज अ व्यूअर, एज अ कस्टमर बाई किया, मैंने ऐसी चीज़ें जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आई है। एंड इससे एक क्वेश्चन नहीं था, एक रिक्वेस्ट था, दैट वॉज टू शो माई मेकअप कलेक्शन। मेकअप कलेक्शन एज इन मैंने अभी, इसलिए मैं अभी मैंने सोचा था मैं फ़िल्म करूँगी, बट कंपैरेटिवली पहले बात तो मेरा मेकअप कलेक्शन उतना है नहीं, उतना ज़्यादा कुछ। और दूसरा मैंने बहुत सारे अभी आई शेडो पैलेट या मेकअप मैंने अभी ऑर्डर किया हुआ है मेरा, बट ड्यू टू लॉकडाउन वो अभी तक आया नहीं है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ एक बार जब सब आ जाता है उसके बाद मैं मेकअप कलेक्शन वीडियो शूट करके डालूँगी। चीज़ ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग था, लाइक हाउ पीपल नोट एवरी सिंगल डिटेल। कुछ कुछ लोग जो ऐसे सिंगल डिटेल नोट करते हैं वो चीज़, लाइक मैंने स्टोरी अभी कल डाली थी, मतलब मैं स्टोरी मैंने डाला था तो उसमें किसी ने लिखा है कि आपके बैकग्राउंड में एक ड्रीम कैचर देखा था मैंने, तो वो आपने कहाँ से ख़रीदा एंड वो कितने का पड़ा। तो मैं पहले तो दोनों, मेरे रूम में दो ड्रीम कैचर है, मैं दोनों का फ़ोटो यहीं कहीं डाल दूँगी और दोनों के दोनों मैंने खुद बनाए हैं। एक्चुअली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रीम कैचर, मुझे ड्रीम कैचर्स बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये एक्चुअली क्या हुआ, मैं बस ऐसे ही अमेज़ॉन पे स्क्रॉल कर रही थी कि ड्रीम कैचर देखते हैं कि कितने का आता है। तो मैंने जस्ट ऐसे ही सर्च मारा तो उसमें आई वाज लाइक शॉक्ड कि 300 रुपीज़ से मिनिमम शुरू होता है एंड उसके बाद 1000, 2000 इस तरह से जा रहा है। लाइक क्या है इसमें। तो बस मैं ऐसे रैंडमली स्क्रॉल गई थी, कुछ अच्छा सस्ते में मिल जाए। तो मुझे अमेज़ॉन पे किट मिला जिससे आप ड्रीम कैचर बना सकते हो एंड बाकी बनाने का रहा तो डिज़ाइन कैसे बनता है वो मैंने यूट्यूब में, आजकल बहुत सारे वीडियो हैं कि हाउ टू मेक अ ड्रीम कैचर, तो वो मैं YouTube से मैंने देखा है, तो इसलिए मैं जो मैंने परचेज़ किया था, मैंने एक सिंगल रिंग वाला पहले खरीदा था, उसके बाद मैंने आई थिंक 7 रिंग्स का सेट खरीदा था। मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। दिस इज़ मोस्ट रिकमेंडेड मेकअप एंड स्किन केयर ब्रांड। तो मैं ऐसा कुछ ब्रांड रिकमेंड नहीं करूँगी आपको कि हाँ आप ये वाला ही लीजिए या फिर ये ही लीजिए। मैं बस ये बोलूँगी कि जो भी आपकी स्किन को सूट करता है वो खरीदिए, क्योंकि सबकी स्किन अलग अलग होती है। अभी मैं कोई ब्रांड, मुझे कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता होगा, आपको अच्छा नहीं लगता होगा। मैं कोई ऐसा कुछ पर्टिकुलर ब्रांड नहीं कि मुझे यही ब्रांड अच्छा लगता है। मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो इसीलिए मुझे उतना टेंशन नहीं होता। बस मैं ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन का जो भी मिलता है मेकअप, मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ यही पर्टिकुलर ब्रांड मुझे अच्छा लगता है। वो डिपेंड करता है कलर, फिर उसका रिव्यूज़ कितना अच्छा है, उसकी प्राइसिंग कितनी सही है, उसके क्वांटिटी का कंपेयर टू, तो वो सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। हाँ, पर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि फ़ेक चीज़ मत खरीदिए। बियॉन्ड ब्यूटी, मॉर्फी, ये सब के जो पैलेट्स मिलते हैं डुप्लीकेट, प्लीज़ वो सब मत खरीदा करिए। या फिर मैक का भी जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट होता है, जो कि आपको मैक का लाइक ओरिजिनल फाउंडेशन 3000 रुपीज़ का आता है, बट अगर कहीं कहीं आपको 300 या 500 रुपीज़ में ये बोल के बेचते हैं कि होलसेल है एंड दिस दैट, तो प्लीज़ आप ऑथेंटिक जगह से ही खरीदिएगा। आपको प्रोडक्ट खरीदना, अगर मैक का प्रोडक्ट खरीदना है तो नायका में सजेस्ट करूँगी कि नायका में आप जाके खरीद सकते हैं। और अगर आपको और फ्लिपकार्ट ये सबसे शॉपिंग करना नहीं चाहिए मेकअप से रिलेटेड, एज एन मतलब हाई एंड ब्रांड से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डुप्लीकेट्स मिलते हैं। दूसरा मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको कुछ इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स मंगाने हैं तो मैं जहाँ से मंगाती हूँ मैं वहाँ का बता देती हूँ। मैं internationalmakeup.com, इंटरनेशनल मेकअप करके एक इंस्टाग्राम स्टोर है, मैं वहाँ से मंगाती हूँ। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ माई लिप्स, माई MLBB शेड। MLBB मतलब होता है माई लिप्स बट बेटर, मतलब ऐसा शेड जो कि आप रेगुलर पहनते हो। मेरा फेवरेट शेड है निक्स का सॉफ्ट मैट लिप क्रीम इन द शेड रोम। ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट शेड है। इससे पहले मैं एक ब्लू हेवन का एलिगेंस लिक्विड लिपस्टिक लगाती थी इन द शेड 11, वो उसी का ये थोड़ा हाई एंड है, वो आई थिंक 105 या 150 रुपीज़ का रिटेल करता है, 600 रुपीज़ का है। दोनों के शेड सेम है। तो अगर आपको शेड देखना है तो मैं एक मेरा टॉप 5 लिपस्टिक वाला वीडियो है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। दिस इज़ एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट विच आई कांट स्टेप आउट विदाउट वेयरिंग इट। तो दैट इज़, जो लोग मुझसे क्लोज होंगे उनको पता होगा, आई रियली 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 लव आईलाइनर्स। तो मुझे आईलाइनर लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड मैं एक पल को लिपस्टिक लगा के, बिना लिपस्टिक लगाए घर से बाहर निकल सकती हूँ, बट आईलाइनर लगाए बिना मैं जल्दी घर से बाहर नहीं निकलती, बिकॉज आई रियली लव आईलाइनर। मुझे आईलाइनर लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेकअप डन। जोडियक साइन लियो है तो आई हैव टू ड्रॉ लियो का साइन। दिस वॉज द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल के नेम के बॉल में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसे हिट कर दीजिएगा, उसके बॉल में बेल नोटिफिकेशन आइकन उसे हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आगे सभी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, हैंडल मैं यहीं डाल दूँगी एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय।